ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जानेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो माध्य कैसे ज्ञात करें। तो देखो, माध्य के लिए हम फॉर्मूला तुम लोग को बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 2,3,1,0 का माध्य ज्ञात करें, का माध्य क्या होगा या ज्ञात करें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रेक्षणों का योग मतलब क्या है, वो प्रेक्षण है सबको जोड़ देंगे, प्रेक्षण कितनी है उससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेक्षण का योग। तो प्रेक्षण क्या क्या है, 2+3+1+0 बटा 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या है, तो चार, चार से भाग, सबको जोड़ देना, क्या आ जाएगा, 6 बट्टा में 4। कटेगा 2 से 2, 2 2 4। अब 2 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा, 1.5। यही आंसर होगा। तो माध्य ज्ञात करना सीखा। तो कैसे माध्य ज्ञात करेंगे, परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी देता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करे। कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करे। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है, यह जानना जरूरी होगा। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके 5 तक संख्या को जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग देंगे, निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या है क्या, तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वो लिखेंगे नहीं हम लोग, क्या ऐसे हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, प्रथम 5 प्राकृत, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बराबर 1,2,3,4,5। इसलिए इसका क्या निकालना था हम लोग को, माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य भी लिख सकते हैं, तो माध्य प्रेक्षणों का योग, यानी 1+2+3+4+5 बट्टा में 5 जोड़ देंगे, 5 4 9 9 3 12 12 1 12 2 14 14 1 15। तो 15 बट्टा 5 5 3 15। अब हम बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन का, इससे भी थोड़ा टफ, अगर पूछ दे बोल दे ऐसा, प्रथम 5 नहीं प्रथम 100 लिख दे प्राकृत संख्या का माध्य कैसे ज्ञात करें, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, समय तो हम लोग के पास कम होता है, तो कैसे बनाएंगे वो कम समय में, कुछ सेकेंड में बना सकते हैं उस क्वेश्चन को भी। अगर ऐसे जनरली छोड़ दिया जाए बच्चे को बनाने के लिए, तो क्या करेगा, 1 से लेकर 100 तक लिखेगा, सबको ऐड करेगा, तो दिक्कत आ सकता है। तो कैसे बनाए उस तरह के क्वेश्चन को भी हम बता रहे हैं, कैसे बनाया जा सकता है। यहीं पर लिख देगा प्रथम पांच की जगह पर क्या लिख देते हैं, 100 लिखो, ये 200 लिखो, 1000 लिखो, तब भी समय बहुत कम लगेगा, सीख लो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं
का माध्य क्या होगा? तो क्या होगा कैसे ज्ञात करें? तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, एक से लेके 100 तक 100 संख्या आने वाला है, ठीक है। तो एक ट्रिक तुम लोग को याद करना होगा, हम बता रहे हैं ट्रिक याद रखना कि अगर लगातार संख्या का योग करना है, प्राकृत संख्या का लगातार योग करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला, यह फॉर्मूला एक ट्रिक तरह का फॉर्मूला है। प्रथम या लगातार लिख सकते हैं, लगातार प्राकृत संख्या हो का योग ज्ञात करने के लिए तुम लोग को याद रखना होगा बहुत आसान फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। आसान नहीं है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इतना अगर याद रखेंगे तुरंत जोड़ लेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस एंड सो ऑन प्लस एन, फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन मतलब अंतिम टर्म है यहाँ पे, तो एक से सौ तक अंतिम टर्म बोल नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो कितना टर्म होगा एक से सौ तक, 100 टर्म है। तो कैसे योग ज्ञात करेंगे, तो योग कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखो तो योग एक से लेके 100 तक कितना संख्या है, तो एन के जगह पर 100 संख्या है, इनटू फिर एन के जगह पर 100 प्लस एक बट्टा में क्या होगा, दो। तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 एक बट्टा में दू, दू से कितना मरते हुए कैंसिल, 50 मरते हुए, 50 से 101 में गुना करना आसान नहीं है क्या, गुना करते हैं, एक जीरो, पांच से लगाते हैं, पांच एकम पांच, फिर जीरो पांच एकम पांच, यही होगा मल्टीप्लाई करने पर ना, होगा ना, जीरो को भूल जाते हैं, पांच से मल्टीप्लाई करते पांच एकम पांच, जीरो पांच एकम पांच, एक जीरो था, एक जीरो बैठा दी। तो ये इसका क्या हो गया योग, हम लोग को निकालना था माध्य ना, इसलिए माध्य बराबर कितना जाएगा, 550 बट्टा में 100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो 10 से भाग देंगे, 10 में क्या है जीरो, एक जीरो, एक दशमलव शिफ्ट करेगा तो 50.5 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कुछ, बहुत आसान था कि नहीं निकालना, कुछ सेकंड बन सकता है, तो समझाने के लिए इतना लिखे, डायरेक्ट हम ऐसे तुरंत निकाल लेंगे यहाँ से ये वैल्यू, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 में जितना जीरो उतना पॉइंट शिफ्ट करा देंगे, पता चल जाता है 100 में दो जीरो तो दो पॉइंट शिफ्ट करा दे, 50.50 नहीं पढ़ा जाता है, 50.50 आता, 0.500 हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग मतलब माध्य ज्ञात करें, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो को शामिल किया जाएगा उसमें, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 पांच पूर्ण संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से कर लेना, प्रथम 5 पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या या प्रथम 10 अभाज्य संख्या तो निकाल नहीं सकते हो, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगता, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन एक बात कंडीशन याद रखना, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक में केवल तो एक से ही भाग लगती है, अलावा लगता है नहीं, कम से कम दो चीज से भाग लगना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं बोलेंगे, अधिक से अधिक दो चीज से भाग लगता है, जैसे दो, तो दो में एक से भी भाग लगता है, दो से भी भाग लगता है, एक से तो लगी और स्वयं से भी लगे तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में, प्रथम 5 अभाज्य
संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, डू योर सेल्फ। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अगर विषम संख्या आएगा तो बना लोगे, सम आएगा निकाल लोगे, क्या ठीक है? तो चलो देखते हैं, अब हम इस पे कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, बना के देखना नहीं बनेगा तो पूछ सकते हो, प्रॉब्लम ठीक है। कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का अगर आ जाए ठीक है, कि ए कॉमा बी कॉमा सी का माध्य ज्ञात करे, तो कैसे करे? बहुत आसान है यह क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो ए बी और सी का माध्य ज्ञात करना है तो परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या का यही फॉर्मूला है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला में जाना, परीक्षणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री। क्यों थ्री? क्योंकि तीन नंबर आंसर, समझाया? ऐसे छोड़ देते तो क्या करते, समझ में नहीं आता नीचे क्या लिखा जाए क्या। तो हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यह सब क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम में निश्चित आएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि x कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव का माध्य तीन है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? परीक्षणों का योग। तो परीक्षण क्या है? x प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो संख्या में ये भी काउंट होगा, एक दो तीन चार ठीक है। अब देखो माध्य बराबर कितना है? तीन। तो माध्य के सामने क्या रख दिए हम लोग? तीन रख दिए। बराबर तो बराबर, तो x अलग ब्याज दर है, नहीं ऐड होगा। तो क्या करेंगे? चार तीन सात, सात पांच बारह, बट्टा में चार। समझा रहा ना? दिस इंप्लाइज क्या? इधर डिवाइड में है तो किधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चार तीन बारह, यही ना होगा? अब बराबर एक्स प्लस बारह, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बारह प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस बारह, इसलिए एक्स बराबर कितना? जीरो। यही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी का माध्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ज्ञात करें, क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएंगे? ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। फॉर्मूला रटने का चीज नहीं है, एक ही चीज से फॉर्मूला याद होता है, रिवीजन। इतना और क्वेश्चन बना लो, इतना और फॉर्मूला बोलो, याद हो जाएगा। परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो ए माइनस बी प्रथम द्वितीय और तृतीय, पहला दूसरा और तीसरा को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो प्लस कॉमा जहां पे वहां से ऐड करनी पड़ेगा, फिर ए प्लस, फिर कॉमा है तो ए प्लस बी परीक्षणों की संख्या। तो ऐसे बहुत बच्चा क्या करेगा? ऐसे गिनेगा, एक दो तीन चार पांच, तो गलत है। कितना है यहाँ पे? तीन है, तो तीन से ही डिवाइड पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ए ए ए, तो देखो बी प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, ए क्या हो गए? तीन ए, बट्टा में तीन, तीन से तीन कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन है 2p प्लस क्यू कॉमा 2p माइनस क्यू कॉमा 2p
का माध्य ज्ञात करे। यह क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, डू योर सेल्फ, तुम लोग खुद से करने, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लघु विधि जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा विधि पता है? अच्छा, फॉर्मूला किसके किस में है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, उसको कौन विधि कहते हैं? डी आई है, ठीक है, कल्पित विधि। बताया था ना, दर्द होता है इंसान को तो डी आई ना, दर्द। कोई फायदा नहीं है कोई ट्रिक बताने का जो ध्यान नहीं रखते हो तो, ठीक। चलो, यह क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का हम अगला बता रहे हैं, और माध्य बस इतना ही काफी है माध्य बनाने के लिए। यदि चर के मान एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो तथा उनकी संगत बारंबारता, एफ वन कॉमा एफ टू कॉमा एफ थ्री हो तो उनका माध्य होगा, क्या होगा माध्य? उनका माध्य क्या होगा? देखो, यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यदि चर के मान x कॉमा वाई कॉमा जेड हो तो उसके संगत और हो तथा उसके संगत मान क्या है? एफ वन एफ टू एफ थ्री है, तो माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए हम फॉर्मूला तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं। देखो, सिंपल फॉर्मूला बताए थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है योग, किसका योग? एक्स मतलब एफ का गुना एक्स के साथ करने पर, एफ आई का गुना एक्स आई के साथ करने पर जो आता है वो सभी का योग, और नीचे क्या है? सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का योग। तो देखो कैसे इसको लिखा जाए, सॉल्यूशन ध्यान देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनाए, तो क्या होता है? देखो, एफ का गुना किसके साथ हुआ था? एक्स के साथ। तो एफ और एक्स, एक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा था? बताए थे तुम लोगों को कि एक्स डिनोट करता है क्या चीज को? मध्य बिंदु ना। तो देखो, वही ना दिया हुआ है, चर मान या चर मान जिसको कहते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का गुना किसके साथ करेंगे पहले? एफ वन के साथ। एफ के साथ प्लस वाई एफ टू प्लस जेड एफ थ्री। अब बट्टा क्या चीज है? एफ आई किसका योग? एफ आई का योग। एफ आई क्या होगा? एफ वन एफ टू एफ थ्री। बट्टा में क्या हो जाएगा? एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। ठीक है, ये आंसर होगा। समझ आया? तो बाद में निकालना सीखा, ठीक है, नोट करो, फिर सिखाएंगे तुम लोगों को माध्य ज्ञात करें कैसे। तो माध्य के लिए कुछ फॉर्मूला है, दो कंडीशन है उसके लिए। सम प्रेक्षण, अगर सम संख्या में हो तो उसके लिए अलग मेथड होगा, विषम में हो तो अलग मेथड होगा, बताएंगे नेक्स्ट क्लास।